हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दो स्नैक रेसिपीज शेयर करने जा रही हूँ। एक है वेजिटेबल मैक्रोनी चटपटी वाली और दूसरा है साबूदाने की टिक्की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेजिटेबल न्यूट्रिशन पैक्ड मैक्रोनी। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और अब मैं इसमें ज़ीरा डालने जा रही हूँ। ये ज़ीरा के स्पटर होने के आप इसमें थोड़ा से, मैंने दो टमेटोज लिए हैं, ये मैं दो टमेटोज इसमें डाल रही हूँ। टमेटोज को थोड़ा सा मुशी कर देना है और इसमें लगने वाले बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि मैं इसमें, बच्चों को कैरेट्स नहीं अच्छी लगती है तो मैंने कैरेट्स को फाइनली ग्रेट कर दिया है जो मैं अपने मैक्रोनी में डालने वाली हूँ। सो दैट्स द बिग ट्विस्ट इन दिस। थोड़ा इंडियन टच रहेगा इस मैक्रोनी में। सो आप देखते जाइए रेसिपी को। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च और ये मैंने तवा फ्राई मसाला लिया है टू गिव इट अ वंडरफुल ट्विस्ट। तो ये दो चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब ये जैसे इसको पूरा मुशी नहीं करना है बट थोड़ा बहुत ये हो जाए। अब जैसे ये हो रहा है, पक रहा है, साथ साथ ही मैं ये कैरेट्स डाल दूंगी ताकि कैरेट्स भी इसके अच्छी तरह मसाले में। ये मैंने अबाउट 5 to 6 मीडियम साइज कैरेट्स ली हैं और इसको फाइनली ग्रेट कर दिया ताकि बच्चों को बिल्कुल एहसास ना हो कि मैंने इसमें कैरेट्स डाला है। तो कैरेट्स की वजह से ही इसमें न्यूट्रिशन एलिमेंट जो है वो ज़्यादा आ रहा है। जब तक कैरेट्स पकती हैं तब तक मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने अबाउट 1.5 to 2 cups ऑफ मैक्रोनी लिया है और इसको मैंने पानी में बॉईल करके जिसमें थोड़ा सा मैंने नमक और ऑयल डाल दिया था सो दैट ये मैक्रोनी बिल्कुल एक एक दाना आपको अलग दिख रहा है मैक्रोनी का। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा और न्यूट्रिशन एलिमेंट ऐड करने के लिए इसमें डाल रही हूँ पीनट्स। सो ये मैंने जितनी पीनट्स ली हैं ये आधी मैं मसाले में डालूँगी और आधी मैं ऊपर सजा दूंगी आधे पीनट्स के साथ। सो ये मैंने आधी पीनट्स इस मसाले में डाल दिए। अब आप जैसे देखोगे कि ये मसाला थोड़ा सा कुक्ड हो चुका है तो मैं इसमें नमक डाल दूंगी। सो ये स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया इसमें। ये थोड़ा सा और पक जाए उसके बाद हम इसमें सॉस डाल देंगे, टमेटो केचप जो है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट एलिमेंट आए। सो मैं इसमें कम से कम अराउंड दिस इज 1-1.5 spoon ऑफ टमेटो केचप जो मैं इसमें डाल रही हूँ। सो इसमें द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिश इज कि दिस वाज द वेरी फर्स्ट डिश व्हिच माय मदर इन लॉ टॉट मी एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद दिस डिश कि मैं जब भी मेरे घर गेस्ट आते हैं आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि मैं ये वाली डिश बनाऊं एंड दे ऑल एब्सोल्युटली लव इट। सो इफ यू मेक इट फॉर योर किड्स एंड योर फैमिली दे विल एब्सोल्युटली लव दिस पर्टिकुलर डिश। अब ये कुक हो चुका है सो द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज पुटिंग दिस मैक्रोनी, जिसके बारे में मैं आपको बताया है कि मैंने इसको टू स्मॉल कप्स ऑफ मैक्रोनी आई हैड टेकन और उसको मैंने बॉईल करके ड्रेन कर लिया। सो नथिंग मच एफर्ट्स आर नीडेड इन दिस पर्टिकुलर डिश बट देन इट टर्न्स आउट टू बी एब्सोल्युटली अ वेरी फैंटास्टिक डिश। अदरवाइज जो मैक्रोनी होती है उसमें वेस्टर्नाइज्ड विद ऑल टाइप ऑफ सॉसेस होते हैं बट दिस इज आवर ओन इंडियन टच, इंडियन फील। अब ये मिक्स हो चुकी है पूरी तरह से और अब मैं सर्विंग से पहले इसमें ये जो बचे पीनट्स थे ये पीनट्स इसमें स्प्रेड कर दूंगी।
that's going to give a very very good touch to your dish. और ये peanuts मैंने roast करके उसको दरदरा सा पीस लिया था. So I hope you will make this dish next time after seeing the recipe, and everyone in your family would love this dish. Okay, now we'll step over to the other dish. Friends, ये जो दूसरी recipe है, ये है साबूदाना की टिक्की, जो काफी common है, but इसमें एक छोटा सा twist है जो मैं आपके साथ साथ बनाते हुए discuss करूँगी, क्योंकि मैं नागपुर में born and brought up हुई थी, तो मेरे cuisine में महाराष्ट्रीय touch है, so ये महाराष्ट्रीय टच वाली चीज़ है जो नॉर्मली आप पास में खा सकते हैं जब आप पास करते हैं. और दिस टर्न्स आउट टू बी वेरी फैंटास्टिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये मैंने डेढ़ कटोरी ओवरनाइट भिगो दिया था साबूदाना, और मैंने तीन बड़े वाले आलू लिए हैं. आलू में नमक मिर्च डाल दी है, और ये मैंने रोस्टेड पीनट्स डाले हुए हैं, तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है. हाथ से मिक्स करना ज़्यादा आसान है, और इसकी अब हम टिक्कियाँ बना लेंगे. बट ये इंश्योर कीजिए कि ये जो है आलू थोड़े से मैंने ज़्यादा लिए हैं, बिकॉज आलू के साथ ही इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है. क्योंकि कई बार मैंने ट्राई किया है कम आलू डालना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, सो बाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है. इट्स बिकॉज ऑफ आलू थोड़ी बाइंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है. तो दोनों में साबूदाना में भी बाइंडिंग एलिमेंट्स तो होते ही हैं, बट दिस गिव्स मच बेटर बाइंडिंग आलू. सो एंड इट टर्न्स आउट टू बी वेरी फैंटास्टिक रेसिपी. इवन कई मेरी महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स जो हैं दे इन्जॉय ईटिंग दिस साबूदाना की टिक्की. सो आई थॉट कि आई शेयर इट विथ यू गाइज. सो ये सब इतने डेढ़ कटोरी से अबाउट 15 आई थिंक 20 to 25 टिक्कीज बन जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज. सो अब मैं आपको चार पांच ही बना के दिखाऊंगी. थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं. फ्रेंड्स ये मैंने तीन चार एक दो मैंने अभी फ्राई के लिए डाली हैं, और ये मैं थोड़ी सी आपको बना के दिखा रही हूँ. जस्ट सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी. ये मैंने चार पांच बना ली हैं, एंड आई विल जस्ट शो यू हाउ ब्यूटिफुल दे टर्न आउट आफ्टर फ्राइंग, एंड दे आर एब्सोल्युटली यमी टू ईट. सो प्लीज़ आप यदि आपने कभी ट्राई नहीं किए हैं, सो आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये चीज़. So friends, you can see how these golden brown crispy tikkis have come up. Please try this. These are excellent, and when you eat it, the crispy element is there in this. And even this dish has turned out to be very good. Your kids will definitely love this dish. Please try it. Again, lot of carrots in it, so vitamin A is there. Peanuts ka bhi nutrition hai, and again in these tikkis also the peanuts are there. Lot of potatoes with carbs for the kids, which is good for kids, and कभी कभी हम लोग भी खा सकते हैं. तो प्लीज़ ट्राई बोथ ऑफ दीज रेसिपीज, एंड यू विल एब्सोल्युटली लव द रेसिपीज, एंड यू लव द टेस्ट ऑफ इट. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन वेयर आई विल कीप ऑन गिविंग यू न्यू थिंग्स एंड न्यू रेसिपीज एंड न्यू होम रेमिडीज एंड डेकोर आइडियाज. सो जस्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.